नमस्कार दिल से के इस एपिसोड में हम जो इस देश का कार्यकाल रहा है अंडर द बीजेपी 2014 के बाद उसके बारे में बात करेंगे और मोदी जी की क्या कंट्रीब्यूशन रही है इस देश के प्रति उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ में जो हमारा जो रिश्ता है चीन के साथ वो कैसा रहा और आगे हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते थे 2006 से लेकर 2011 तक हमारे साथ हैं मार्कंडे कार्चू जी और इनके पिताजी और इनके ग्रैंडफादर और इनके अंकल पॉलिटिक्स में भी रहे और जुडिशरी में भी रहे और ये ख़ुद मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं 2011 से लेकर 2014 हज़ार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन रहे हैं और इनका जो एकेडमिक करियर है आ, शायद सब लोग नहीं जानते ही वॉज अ फर्स्ट क्लास ही नेवर स्टूड सेकेंड एंड इन इज एल एल बी ही एग्जामिनेशन इन इलाहाबाद ये मैंने सुनने में मुझे आया है सो थैंक यू वेरी मच सर बींग शुरुआत करनी है हमारे देश के भविष्य की अंडर मोदी देखिए मोदी जी ने इतना डैमेज किया है इंडिया को ये आप लोगों को आइडिया नहीं है मगर ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ज़रूर जरूर बहुत गहराई में मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को पार्डन मी बड़ा सु, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है ठीक है मैं ज़रा गहराई में जाना चाहता हूँ तो ये समझने के लिए कि मोदी ने कितना डैमेज किया है इंडिया को पहले आपको समझना होगा इंडिया क्या है आप नहीं बता सकेंगे इंडिया क्या ऐसी बात नहीं मैं थोड़ी थोड़ी मुझे भी जानकारी है लेकिन है तो, मैं आज आपको सुनूंगा अच्छा सुनिए लोगों को नहीं मालूम इंडिया इंडिया क्या है तो मैं समझाऊं ये समझना जरूरी है बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन हाउ ही यू मस्ट अंडरस्टैंड वॉट इज इंडिया देखिए दिस इज अ ब्रॉडली अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स इट इज लाइक नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में मेनली फ्रॉम यूरोप आए थे 500 साल पहले फिर बाद में अफ्रीकन स्लेव्स आए फिर एशियन लैटिन अमेरिकन आए पाँच सौ साल से लोग लोगी इंडिया में नहीं नहीं हम बताते हैं आपको सुनिए इंडिया में दस हजार साल से लोग आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता था एक्सेप्ट ऑन टू ओकेजन एक तो जो नाइनटीन uh, सेंचुरी में जो ब्रिटिश ने इंड लेबर फीजी मोरिशियस और ब्रिटिश गायना वगैरह भेजा Those were the poor peasants of East Europe and Bihar and so on. And the second wave was the recent diaspora of IIT graduates and doctors and so Otherwise, nobody left India. Everybody kept coming into India for 10,000 years. We are all uh, foreigners. And uh, 93 94% of the people who are in India they are foreign blood. Foreign blood. You are foreigners. First, the theory was that the original inhabitants of India were Dravidians or Aryans.

वो छः साल पर वो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं बाकी सब हम लोग इमिग्रेंट्स हैं वाई दिट पीपल कम इन टू इंडिया नॉट गो आउट ऑफ इंडिया नॉट लेट मी एक्सप्लेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए पीपल माइग्रेट फ्रॉम अनकंफर्टेबल एरियाज टू कंफर्टेबल एरियाज इट इज़ नेचुरल एवरीबॉडी वॉन्ट्स कम्फर्ट तो पहले एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी वॉट यू रिक्वायर फॉर एग्रीकल्चर यू रिक्वायर लेबल लैंड यू रिक्वायर फर्टाइल सॉइल प्लेंटी हाँ तो दिस वॉज इन अबंडस इन दिस सब कॉन्टिनेंट आप रवल पिंडी से चले जाइए बांग्लादेश डीप साउथ कन्याकुमारी सब लेबल लैंड फर्टाइल सॉयल नदियाँ हैं तालाब हैं यानी पैराडाइज फॉर एग्रीकल्चर तो सब लोग बाहर से इस इंडिया में आते थे क्योंकि दिस वॉज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर और बहुत एक्सट्रीम uh, क्लाइमेट नहीं था बहुत ठंड में आ जाए आपके फाइव डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली में हो जाता है नॉट माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी रशिया में यहाँ से इंडिया से क्यों कोई माइग्रेट करे अफगानिस्तान जो बर्फीला है चार पाँच महीने बर्फ से ढका yeah, है सेंट्रल एशिया से हाँ सेंट्रल एशिया पहाड़ी है माउंटेनियस अनकम्फर्टेबल सब लोग आराम चाहते हैं तो पीपल कैप रोलिंग इन टू इंडिया फॉर टेन थाउजेंड ईर्स एंड That is why you have so much diversity in in India. Correct, absolutely. Because right. whichever group of immigrants came, they brought their own religion, their language, Customs. their cult custom, their cultures and so on. This explains the tremendous diversity in. dekhiye aap compare kariye india ko with china उनकी भी आबादी 140 करोड़ से कुछ ज़्यादा आया हमारी mm भी 140 करोड़ करीब करीब सेम पापुलेशन। But there's broad homogeneity in China. All Chinese have a Mongoloid face.

इज़ द पॉलिसी ऑफ़ गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटीज वरना आपका देश एक दिन नहीं चल सकता वॉट इज द कॉमन बिटवीन यू एंड दैट बॉय फ्रॉम नागालैंड आप हिंदू या मुस्लिम हैं वो क्रिश्चियन है आपके कॉकेशन फीचर्स हैं उसके मॉगलॉय फीचर्स हैं उसके ड्रेस हैबिट फर्क हैं ईटिंग हैबिट फर्क है आप कह दें कि ये हिंदू स्टेट रहेगा इंडिया तो वो कहेगा अच्छा भैया हम अपना नागालैंड लेके आई एम लिविंग द इंडियन यूनियन आई एम नॉट रिपेयर टू लिव एज सेकेंड रेड सिटीजन मोदी जी ने क्या किया कि जोरे इंडिया में स्टिल भी है हिंदू कंट्री सेकुलरिज्म लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफेक्टो स्टाइट टू मेड इज हिंदू कंट्री एंड इनकी पूरी पॉलिटिक्स चली है नफरत पे हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स इन साइटिंग क्रिश्चियन बिकॉज क्रिश्चियन मच लेस मेनली अगेंस्ट मुस्लिम देखिए मोदी जी को समझने के लिए पहले आपको याद करना चाहिए कि बेसिकली ही इज एन आर एस एस मैन आर एस एस के मैं बहुत जानता हूँ आप इतना नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं इलाहाबाद में बहुत मैं वकील था तो बहुत आर एस एस के जो लॉयर्स इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट बहुत मेरे मिलना जुलना था उनके साथ इनमें देखिए दो एक तो दे ग्लोरीफाई एंशेंट इंडिया एंड दूसरा दे हेट मुस्लिम्स और इनका जो लीडर था एक जमानेकर गोलवालकर गुरु जी उनकी दो किताबें हैं एक टू तो और दूसरा बंच ऑफ था इन विच अगेंस्ट मुस्लिम एंड दैट इज कम्पल्सरी रीडिंग फॉर ऑल ऑल सो मोदी मस्ट टाइम्स उसमें जहर उगला है मुसलमानों के खिलाफ कि ये लोग तो फॉरन इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और रेपिस्ट हैं लूटर्स हैं टेररिस्ट हैं एंड ऑल दैट यही इनके खोपड़े में डाला जाता है और मोदी जी बचपन से आर एस एस में रहे हैं बात कर, करें सबका साथ सबका विकास बट दैट इज जस्ट अ ड्रामा नो क्वेश्चन ऑफ सबका साथ क्योंकि जब आप हेट करते हैं मुस्लिम्स को उनको नीच मानते हैं घुसपैठिया मानते हैं तो क्वेश्चन ऑफ सबका साथ ये सब झूठ बोलते हैं तो इंडिया की जो वेरी आइडेंटिटी है वेरी सोल एंड स्पिरिट है कि इट इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी तो मोदी है स्ट्रक डायरेक्टली अगेंस्ट इट यानी ही इज टेयरिंग द कंट्री अपार्ट पूरा सोशल फैब्रिक को ही इज टेयरिंग इट अपार्ट ये बीजेपी वाले औरों को कहते हैं एंटी नेशनल खुद एंटी नेशनल सबसे ज्यादा क्योंकि जो भी इंडिया की सेक्युलर uh, नेचर uh, और डाइवर्सिटी uh, को अटैक करता है वो एंटी नेशनल बिकॉज यू आर यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कंट्री मैंने एक आर्टिकल लिखा आपको भेजा भी है ना मैंने पढ़ा ये गॉड इन एंशंट रोम कॉल्ड जेनसू डबल फेस उसका एक लुकिंग फॉरवर्ड और एक तो फॉरवर्ड लुकिंग ये दिखाते हैं कि डिजिटल इंडिया और क्या है फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी और बुलेट ट्रेन और स्पेस मिशन ये फॉरवर्ड लुकिंग फेस है बैकवर्ड लुकिंग है कि एंशेंट इंडिया में हेड ट्रांसप्लांट प्लास्टिक सर्जरी होती थी प्लास्टिक सर्जरी होती थी हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी और स्टेम सेल हम लोगों को थेरेपी मालूम था जेनेटिक ये लुकिंग बैकवर्ड इनफैक्ट ही हैज ओनली वन फेस दैट फ्रंट लुकिंग फेस एंड नो फेस जस्ट अ मास्क ही इज जस्ट जो ट्रेनिंग हुई है आर में कि ग्लोरिफाइंग एंशेंट इंडिया एंड हेटिंग मुस्लिम्स इज ओनली वन फेस तो इसने जितना डैमेज किया इंडिया को आई मीन पीपल हैव नो आइडिया अब वो बना रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर राम मंदिर बनाने से क्या कोई गरीबी दूर हो जाएगी बेरोजगारी दूर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कंट्री के

तो सारे दे दे यूनाइटेड यूनाइटेड परसीव एज द दी दैट इज द मुस्लिम्स तो ये लोग जानते हैं बीजेपी और मोदी वाले कि वैसे आप नहीं जीत सकते इलेक्शन मगर आप अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट कर दें बाय अराउजिंग कम्युनल एंड स्प्रेडिंग मुस्लिम्स अब जैसे क्या हुआ अभी अ, 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 यूपी में

हिंदुस्तान में रहना है तो आपको बताऊं कपिल नहीं रहे मैं तो रहा हूं 2011 तक मैं इन सबके साथ बैठता थान इन टू थाउजेंड इलेवन मोस्ट ऑफ द जजेस कोर्ट में नहीं कोर्ट के बाहर किसी के यहाँ डिनर हो रहा है या कहीं पार्टी में दे वोलिडी प्रो मोदी इवन इन टू थाउजेंड इलेवन बिफोर टू थाउज इलेवन मुझे चुप लगाना पड़ता था देखिए ये बहाइच में जो हुआ है इट इज़ टिपिकल एग्जाम्पल अब वो उसका दैनिक भास्कर जो बड़ा मशहूर हिंदी का अखबार है उसके एक रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया बहुत जिस बाराइच ऑपरेशन उसने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स कह रहे थे वो जो हिंदू बिगट्स थे कि तुम दो घंटे तक जो चाहे करो हम विल अ ब्लाइंड आई वी विल इग्नोर इट You may have read ने ने? ने? तो दो घंटे तक अब देखिए कहते हैं एक राम गोपाल मिश्रा था लड़का घुस गया किसी मुस्लिम के घर में और वहाँ भगवा झंडा फहरा दिया और कहते हैं उसके रिएक्शन में मार डाला गया अब वट एवर इट अगर मार डाला गया तो ठीक है उसके जिन्होंने मारा उनके खिलाफ आप क्रिमिनल केस करिए आप प्रोसिक्यूट करिए सजा दीजिए जो मगर वेर इज दट जस्टिफिकेशन आपकी आपने सैकड़ों मुसलमानों के घर और दुकान चला दिए आपने हॉस्पिटल तक मु चलाया और ये ये बुलडोस करने जा रहे थे इनके घर फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका वरना बुलडोजर चलने वाला था अरे भाई जिसने किया है उसके राम गोपाल मिश्रा की हत्या उसके खिलाफ कार्रवाई करिए आप कानूनी कार्रवाई सजा दीजिए मगर आप सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के घर आप जला रहे हैं तो पहली बार बुलडोजर जस्टिस तो हर जगह होता है हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी अभी साहब 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 ने का करेक्ट which, which स्टैंड ये, ये हुआ है अब ये क्या होता है इलेक्शन जब आने वाला होता है तो ऐसा करो एक जलूस निकालो जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी लोकेल्टी है वहाँ मुसलमानों को गाली गंदी गंदी गालियाँ दो उनके प्रॉफिट को उनके कुरान पर अक्सर होता है अच्छा नेचुरली उनका ट्रेन में बैठा मुसलमान तो बोलो तो तू बोल जय श्री राम

केवल जुडिशरी इसको रोक सकती है मैं मेरी राय हमें ऐसे जज होने चाहिए ये दोनों में फर्क सिस्टम अपॉइंटमेंट का चेंज होगा ना तभी हो गया ना कौन चेंज करेगा भाई ये लोग चेंज मोदी जी करेंगे वो नहीं करेंगे वो तो चाहेंगे कि अपने अपने जैसे फेवरेबल जजेस आए वहाँ तो आप मोदी जी की बात कर रहे थे आपने उस खत्म नहीं की नहीं ये मोदी जो है ये मैंने कहा ना कि इसके जो टेन ईयर टर्न हुआ है इतना एक तो देखिए सबसे द टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी इज वन एंड ओनली वन एंड दैट इज डज इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल डज इट गिव देम बेटर लाइफ्स मोदी जी के दौरान आप जानते हैं क्या पोजीशन क्या है द लेवल ऑफ चाइल्ड न्यूट्रिशन इफ यू गो ऑन गूगल एंड टाइप चाइल्ड न्यूट्रिशन इन इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो इंटरनेशनल एवरी सेकंड चाइल्ड इन इंडिया इज मेल ओवर द लास्ट फोर फाइव वी हैव स्लिप्ड फ्रॉम

आपका एक चपरासी की नौकरी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करे हजारों एप्लीकेशन ला जाते हैं जिसमें कई पी एच हुआ था ना कई अरे सब जगह हुआ है आ, यूपी, यूपी, यूपी में, में बहुत सारे उसमें पीएचडी एमबीए एमएससी इंजीनियर्स बेगिंग फॉर चपरासी जॉब ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, hmm. का हाल है हेल्थ केयर का जा, हाल आप जानते हैं देखिए कई दिल्ली में बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल आपके मैक्स हैं फोर्टिस है अपोलो है मैदानता है ब्यूटिफुल जे पी बट दे आर सो एक्सपेंसिव

अब क्या करें गरीब आदमी रेगुलर डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं है आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट चले जाइए आपकी प्रीमियर इंस्टीट्यूट मानी जाती है दिल्ली में इट लुक्स लाइक रेलवे स्टेशन कोई पूछने वाला नहीं बेचारे पड़े हुए हैं सबसे सबसे जनरल हॉस्पिटल जाइए वही और हाल है तो बताइए ये टोटल लैक ऑफ हेल्थ केयर फॉर द पीपल

ये नहीं देखता है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है बुरा है पढ़ा लिखा अनपढ़ क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल सीधे सीधे भेड़ बकरी से जात बिरादरी पे वोट डाल देता है कि वो यादव जी वो समाजवादी पार्टी को डाल देंगे और वो अपर कास्ट वो बीजेपी को डालेंगे पंडित जी चाहे जितना भी कुकर्म करे बीजेपी पंडित जी कमल को डालेंगे <laughs> पार्टन मी आई एम ऑल्सो पंडित जी मगर वो वो तस से मत नहीं होगा तो लिहाजा ये आपकी पूरी पॉलिटिक्स है ये सब कास्ट और रिलियंस वोट बोर, बैंक पे चलती है इंडिया में आई एम सी आई एम नॉट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इन इंडिया मीन्स रूल बाई देखिये डेमोक्रेसी मीन्स मेजोरिटी रूल और मेजोरिटी आपकी कास्टिस्ट और कम्युनल है कैसे हिंदुस्तान कैसे? Revolution आना है kind of हाँ। पहले होगा और उसके बाद जन उसमें वक्त लगेगा। आपने मैं कहना नहीं चाहता था तो मगर आपने पूछ लिया ये ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक देखिए कास्टिज्म एंड फ्यूडल फोर्सेस सामंती शक्तियां इनका विनाश करना बहुत जरूरी है हमारे देश की तरक्की करने के लिए बात ठीक मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और तो मजबूत और मजबूत करते हैं तो से फ्यूडल कल्चर हमारा अब आप पुराना भी देख लीजिए फ्यूडल कल्चर रहा है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो और मजबूत करता, करता है जातिवाद और सांप्रदायिकता को इट फर्दर कास्टिज्म एंड फ्यूडलिज्म तो ये एंटें पॉलिटिक्स में कोई मशीनों का भी रोल रहता है आपके हिसाब से हो सकता है भाई देखिए मेरे पास प्रूफ नहीं है बट थ्योरेटिकल लेवल देखिए ऐसा should है, एक है ah, kind of ये सब करते हैं जब कांग्रेस था वो भी गड़बड़ करती थी अब बीजेपी आई वो भी गड़बड़ी मैं इन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ वोट बैलेट से होना चाहिए कि मशीन के द्वारा होना चाहिए आपसे मैं राय मैं जवाब रहा। दे रहा हूं कि दोनों में अच्छा एक मिनट मानिए बड़ा सही अपराइट वोटिंग सिस्टम हो मगर वोट तो पड़ेगा जाति बात पे पंडित जी तो जाके बीजेपी को डालेंगे देखो तो और... डीएम दे बटन तो नहीं दबाएगा ना जैसे अब अरे बटन दबाओ ना दबाओ मगर रिजल्ट तो फ्यूडलिज्म आएगा ना चाहे कोई बटन ना बटन बिल्कुल ईमानदारी का सिस्टम हो मगर

and led by modern-minded leaders uh, who want to create a political order under which india rapidly industrializes. see, our national aim must be to transform india to a modern industrial giant like china or usa. because unless you do it, you will never be able to abolish poverty or unemployment or hunger, etc. so, therefore, you have to think out how can we, transform India into a modern industrial giant the problem there is that now we have what is called an AI a revolution right uh, that is taking place uh, where you don't need manufacturing jobs as such you have artificial intelligence doing everything and India cannot afford that so I think the world is moving in one direction and we are moving in another direction you manufacturing kibatki who compete it Global parts. There also, I have grave reservations about artificial intelligence, but let's not go into it. Mm. I'm saying that if you want to abolish poverty and unemployment and hunger and all your other social, great social evils, you have to transform India from a backward to a highly yeah, developed country. That's true. Country. That I agree with. And it will require some kind of a people's struggle and people's revolution, which is going to take time. Some people ask me, where are these leaders, uh, political leaders, going to come who are modern-minded and patriotic and all? You know, we had them at the time of independence. They were modern. We had, people. but I'm saying for today. And today, it is difficult. So I history, uh, study of history shows that uh, whenever a country is in a crisis, then uh, nature throws up uh, great leaders, like yes. for instance,

Now we have to go a little back into history. In the 1930s and 40s, the main danger to the world was not British or French imperialism. It was Hitler's. Hitler's Nazi Germany. Nazi Germany was the biggest danger to the world. Why? Because Nazi Germany was expanding imperialism. That's true. Whereas British and French were defensive. British and French only wanted to hold on to their colonies. Whereas Hitler wanted to conquer almost the whole world. So Hitler was the biggest danger to the world. What is the situation? China is like Hitler. It wants to, it is expa, it's an expanding imperialist. True. What is socialist? But what is socialist? Rane, it is capitalist and imperialist. Chinese are expanding because you know, they have set up a massive industrial base. When a country sets up a massive industrial base, then it has to expand overseas. Right. Because the domestic market is saturated, uh -huh. it has to grab foreign uh, markets. They say, why did British come into India? Not for a picnic, That's right, to yes. capture the raw materials and uh -huh. the ma markets and cheap labor. Or why did the French uh, uh, conquer Algeria and Vietnam for the same reason? Or why did the Japanese conquer Korea and Manchuria and part of China? because Japanese industries were developing and they need in markets and raw materials. To China, it has become imperialist. It, it, it has a huge uh, foreign exchange reserve of about three point four trillion dollars. That's correct. Which is a huge amount of hot money looking hungrily for foreign investment. So it has to uh, infiltrate other countries. Subjugate They're all over the world. आपके इंडिया में आपके टेलीकॉम मार्केट काफी यू विद चाइनीज इन द वर्ल्ड तो लिहाजा दे आर द ग्रेटेस्ट डेंजर बिकॉज़ दे दस्टर बिकॉज्रॉयर मार्केट इंडस्ट्रीज फिगर बता दू अरासेंट ऑफ इंडिया स्मार्टफोन पार्ट्स आर सोर्स फ्रॉम चाइनाटी परसेंट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स are crucial for the generic drug industry from china 70% imports of essential components from china continue to grow in 24 especially electronic vehicles india imports 25% of auto parts from china india sources 80% of solar modules and cells from china Despite national security concerns, major telecom players still depend on Chinese equipment, with Hawaii and ZTE being primary suppliers. China supplies 30% of India's textile inputs. Chemical and industrial raw materials account for a substantial import share, with 40% sourced from China. I can just go on and on and on and on. This is the extent of control of China on the Indian economy. This is why I am a supporter of Trump.

तो ही फिर करेगा तो देखिए मैं आई एम नॉट अ वोटर इन अमेरिकन इलेक्शन मगर मैंने कहा कि मैं तो ट्रम्प का सपोर्टर हूं क्योंकि देखिए वो चाइना जो सबसे बड़ा दुश्मन जैसे हिटलर के अगेंस्ट जब तक सब यूनाइट नहीं हुए थे ब्र, ब्र, ब्रिटेन अमेरिका रशिया तब जाके उसको डिफीट किया Correct. तो आज ऑल ऑफ इंडिया America and other countries must unite against China. He, they are the biggest. But we can't afford to. If they control our economy like this, if we unite against China, what happens to our own economy? I've just shown you how much we are dependent on China. But they have conquered, infiltrated into see 50% They've have gone into africa they are controlling many economies in africa africa right belt and road initiative they sort of they are building transportation system that can yes. bring. so all that is happening which means that but at the same time politically politically Haan. we are getting we are getting away from russia russia is getting closer to china

तो वी हैव टू कॉम्बैट बैक वॉट इज मोदी मोदी जी मोदी <laughs> जी कुछ नहीं करेंगे एक्सेप्ट राम मंदिर और वो uh, मुसलमानों के खिलाफ घुसपेटियाँ हैं hmm. और मोदी है नथिंग इन इज हेड एक्सेप्ट हेटरेड ऑफ मुस्लिम्स ये 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 बात करता है बड़ी बड़ी मगर ही नो वो आर एस एस की ट्रेनिंग है कि हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स वही बचपन से उसको सिखाया गया वही जानता है तो मोदी जी के पे आप मत भरोसा करिए मोदी जी विल नथिंग गलवान कैप्चर कर लिया चाइनीज ने इन्होंने कहा कि नथिंग ही मोदी सेड कि नथिंग हैज बीन कैप्चर झूठ बोला दे आर नॉट इन आवर इंडियन टेरिटरी तो, तो मोदी पे मत ना, ना कहीं नहीं आए वो मोदी मोदी पे कुछ भरोसा करिए ये आदमी कुछ नहीं करिए देश, देश की जनता उन पे भरोसा करती है आप करें ना करें अरे देश जे, की जनता बेवकूफ है मैंने कह दिया एक बार 90 इंडियन फूल्स। <laughs> आप वोट देने जाते हैं तो नहीं देखते कैंडिडेट का मेरिट कैसा है अच्छा बुरा है, भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी भी वोट दे, दे देते हैं नाइन्टी परसेंट तो आई यू नॉट फूल्स तो आप कहते हैं कि साहब देश का भरोसा है भरोसा तुम यू आर बंच ऑफ फूल्स भरोसा करोगे दिस मैन तो आपका सरकार पे भरोसा नहीं मोदी पे भरोसा नहीं जुडिशरी पे भरोसा नहीं जनता पे भरोसा नहीं भरोसा है किस पे रेवोल्यूशन पे अच्छा आई एम कॉन्फिडेंट आएगा इट विल टेक टाइम ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम ग्रेट सेक्रीफाइस टू बी मेड यू हैव गिवन अस अ न्यू इंसाइट इन टू योर थिंकिंग कि हिंदुस्तान है क्या hmm. और हमारा भविष्य क्या होगा और जब तक एक क्रांतिकारी कुछ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता यह आपने कहा थैंक यू वेरी मच सर फॉर हियर माय वेरी काइंडली माय प्लेट